कक्षा 9 गणित के इस पीरियड में प्यारे बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक अलग प्रकार से आपकी कक्षा शिक्षण करेंगे, जिसमें हम स्क्रीन पर जो पढ़ा रहे हैं उसको डालेंगे, जिससे कि आप उसको आसानी से कॉपी पर नोट कर सकें। तो देखिए, आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां बताएंगे। इसमें देखिए, आप इस अध्याय में पहले ही देख चुके हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने पर दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं। हमने बताया था कि अगर एक त्रिभुज छोटा है और उसके तीनों कोण बराबर हैं बड़े त्रिभुज के, तो वो समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। वो आप सोच सकते हैं कि संभवतः एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। आप ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में त्रिभुज निसंदेह सर्वांगसम होते हैं। इस साधारण धारणा को निश्चित करने के लिए 4 सेमी और 4.5 सेमी के दो त्रिभुज खींचिए, इन्हें काटकर एक दूसरे पर रखिए। आप क्या देखते हैं, यदि बराबर भुजाओं को एक दूसरे पर रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, अतः दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। जो आकृति दिखाई हमने आपको, इस क्रियाकलाप को कुछ अन्य त्रिभुज खींचकर भी दोहरा सकते हैं और इस प्रकार से हम सर्वांगसमता के एक नियम पर पहुंच जाते हैं। पिरामिड नंबर 7.4 SSS सर्वांग समता नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, यानी SS का मतलब साइड साइड साइड। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये पिरामिड की मुख्य प्रतिज्ञा है। एक उपयुक्त रचना करके इस पिरामिड को सिद्ध किया जा सकता है। आप ऐसे ऐसे सर्वांग समता के नियम में पहले ही देख चुके हैं कि बराबर कोणों के युग्म संगत बराबर भुजाओं के युग्मों के बीच या अंतर्गत होने चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। यानी दो भुजाएं अगर बराबर हैं, उनके बीच का एक कोण वो भी बराबर है, तब वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस क्रियाकलाप को कीजिएगा। देखिए, हम एक क्रियाकलाप बता रहे हैं आपको। दो समकोण त्रिभुज ऐसे खींचिए जिनमें प्रत्येक का कर्ण 5 सेमी, एक भुजा 4 सेमी और की हो, जैसे आकृति में हमने डाल रखा है। ठीक, इन्हें काटिए एक दूसरे पर इस प्रकार रखिए कि बराबर भुजाएं एक दूसरे पर आए। यदि आवश्यक हो तो त्रिभुज को घुमाइए। आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं और इसीलिए ये सर्वांगसम है। यही क्रियाकलाप समकोण त्रिभुज की अन्य युग्मों को लेकर भी दोहरा सकते हैं। आप क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनके कर्ण बराबर हों और भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। आप इस तथ्य की जाँच पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। ध्यान दीजिए कि इस स्थिति में समकोण अंतर कोण अंतर्गत कोण नहीं, बीच का नहीं है कोण, जबकि हमने पहली स्थिति में क्या बताया था आपको कि दो भुजाओं के बीच में कोण होगा तब वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक कोण जो है वो ऑलरेडी बराबर है 90° का समकोण। इस प्रकार आप निम्नलिखित सर्वांगसमता नियम पर पहुँच जाते हैं, या हमारे सामने एक नया नियम आ जाता है। क्या आता है, फिर मैं नंबर 7.5, इसकी सिर्फ मुख्य प्रतिज्ञा बता रहे हैं हम आप। तो 7.5 में RHS सर्वांगसमता नियम, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरी भुजा और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ RHS समकोण त्रिभुज कर्ण हाइपोटन्यूज और क्या नाम है भुजा साइड को दर्शाता है। यानी R ये तो हो गया राइट एंगल यानी समकोण, H हो गया कर्ण और भुजा हो गई साइड। तो इस तरीके से
ये सर्वांग समता का, आर एच सर्वांग समता के लिए ये फिर मैं इसके हम यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहे हैं, है भी नहीं कोर्स में। तो अब आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।